हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज का जो वीडियो है वो है बेली बटन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेली बटन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, बेली बटन को हम नाभि भी कह देते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं हर किसी की। तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो बेली बटन जो था वो बाहर की तरफ आया था, ठीक है। तो बेली बटन जो है, नाभि जो होती है, वो कईयों की अंदर की तरफ चली जाती है, कईयों की नॉर्मल वैसी ही रह जाती है, या फिर कईयों की नाभि के ऊपर स्किन आ जाती है या फिर बाहर की तरफ आ जाती है। ये एकदम परफेक्टली नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो, सबकी बॉडी ना डिफरेंट होती है, ठीक है। चाहे सिम्टम सेम होते हैं पर हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, और ये हॉर्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है उसकी वजह से सारे जो प्रेगनेंसी में चेंजेस आते हैं इसलिए होते हैं, हॉर्मोन की वजह से, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन जब इंक्रीज करता है ना, तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें मसल्स जो है वो लूज हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, बॉडी ना आप देखना फुली फुली सी भी लगती है, ठीक है। एक तो बॉडी फुली फुली लगेगी, और जो बेली, जो आपके पेट के जो मसल्स होते हैं ना, ये ना ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेच हो रखे हैं। वो क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि यूट्रस एक्सपैंड हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, हमारा बेबी ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जब यूट्रस भी एक्सपैंड कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो नाभि होता है, जो बेली बटन होता है, या तो वो अंदर की तरफ हो जाएगा, या तो वो बाहर की तरफ हो जाएगा, या फिर नॉर्मल वैसा ही रहेगा, या फिर स्किन ऊपर आ जाएगी। तो दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये क्यों हो रहा है। अब जैसे कि मेरा एक ये भी कहते हैं कि इस चीज से जेंडर प्रिडिक्ट किया जाता है कि भाई अगर बेबी बॉय होता है तो नाभि अंदर की तरफ होती है, या फिर गर्ल होती है तो नाभि बाहर की तरफ होती है। देखो, ये पॉसिबल नहीं है ऐसे जेंडर प्रिडिक्ट करना, ठीक है। ऐसे नहीं आप जज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं। अगर मेरा जो बेली बटन था वो बाहर की तरफ था, तो मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं जहां पे बेली बटन नाभि बाहर की तरफ है, उनकी बेटियां भी हुई हैं, ठीक है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स भगवान जी क्या आपको दे रहे हैं। आप तो बस ये प्रे करिए कि हेल्दी बेबी हो, हम यही प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं, है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि जब यूट्रस एक्सपैंड हो रहा होता है ना, ठीक है, तो नाभि चाहे अंदर जा रही है चाहे बाहर हो रही है, तो उस टाइम पे देखिएगा आपको ना पेन भी बहुत होती है, आपके नीचे यहाँ पे इचिंग भी बहुत हो रही होती है, और जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये जो चीज होती है, ये होती है आपकी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं बहुत सारे। सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये फिजिकल चेंजेस जो है ये बहुत एक्सेस में होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये चेंजेस आ जाते हैं, बेली बटन का चेंज आ जाता है। अब जब आपकी डिलीवरी हो गई तो आप देखिएगा, आपकी डिलीवरी होने के आप कह लीजिए 40 डेज या फिर विद इन 2 मंथ्स और 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बेली है, वो नॉर्मल होता जाएगा, आपके मसल्स वगैरह सब नॉर्मल होते जाएंगे, ठीक है। जो बेली बटन होता है ना वो भी नॉर्मल होता जाता है। लेकिन हम क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी ना थोड़ा सा पेट जो होता है, जो आपका स्टमक होगा, वो थोड़ा बाहर की तरफ रहता ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइजेस करिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिनिन। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को ना रिलैक्सिनिन जब रिलीज होता है तो वो रिलैक्स कर देता है हमारी बॉडी के मसल्स को, जॉइंट्स को, ताकि हम प्रेगनेंसी में स्ट्रेचिंग जब एक्सपैंड हो रहा है, यूट्रस वेट पुट ऑन हो रहा है, तो वो हेल्प आउट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, अब वो रिलैक्सिनिन हार्मोन का काम खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल पहले की तरह ही आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन पेट हमारा फिर भी बाहर रह जाता है थोड़ा सा, चाहे तो आप उसको कह लीजिए कि वो फैट होता है जो हमने खाया पिया होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करिए, एंड आपने करनी है एक्सरसाइजेस बाद में, डिलीवरी के बाद भी। सो इसमें क्या होता है कि आपको आफ्टर डिलीवरी भी एक्सरसाइजेस करनी होती है। हम डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे तो एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में नहीं करते हैं। बेबी हो गया फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो बेबी हो गया, और 40 डेज हमें बाद में रेस्टिंग के मिलते हैं, बट नहीं, उन 40 डेज के बाद जब आप
फुली रिकवर कर चुके हैं या फिर अब वो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है आपका, जिसको हम कहते हैं कि सवा महीना कुछ नहीं करना होता है ना, लेकिन उसके बाद आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए, वो जरूर करिए। उससे क्या होता है कि जैसे जो स्टमक भी पेट भी थोड़ा बाहर की तरफ रह जाता है, वो फैट ही होता है, वो भी फिर अंदर धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज करेंगे फैट बर्न होगा तो धीरे धीरे वो भी अंदर चला जाएगा, एंड साइड बाय साइड जो बेली बटन होता है वो भी धीरे धीरे अपनी वापस उसी जगह पे आ जाता है जो आपका प्रेगनेंसी से पहले था बेली बटन का शेप, ठीक है, अंदर था बाहर था वो अपना नॉर्मल उस पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। एंड मैं ये भी एक साइड बाय साइड चीज कहती हूँ कि कोई कहता है कि हमारा अगर बेली बटन बाहर है तो बेबी बॉय होता है, कोई कहता है अंदर की तरफ है तो गर्ल होती है, इसको आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं कि अगर अंदर की तरफ है तो बॉय हो जाएगा और बेली बटन अगर बाहर की तरफ है तो गर्ल हो जाएगी। देखो ये कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि अगर जैसे अगर मेरा बाहर की तरफ है आपका भी बाहर की तरफ है तो बेबी बॉय ही होगा, नहीं। मैं फिर से कहती हूँ हर बॉडी डिफरेंट है, हर किसी के सिम्टम्स चाहे सेम हो लेकिन बॉडी डिफरेंटली वर्क कर रही है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि ये चीज अगर किसी के ऐसे है तो मेरा भी वैसा ही होगा, है ना। तो ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, जैसे आपका बेली बटन है तो आप उसको हल्का सा प्रेगनेंसी के टाइम पे आप हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं ताकि वो ड्राइनेस वहां पे ना हो, ठीक है। और उसको बार बार टच नहीं करना है कि हाँ वो बाहर की तरफ है तो आप टच करते रहे, नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए वैसे ही। और कुछ लोग क्या करते हैं उसको क्लीन करने की भी कोशिश करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज उसको टच मत करिए क्योंकि अगर उसमें जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो वो डेफिनेटली बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आप अपने बेली बटन को ऐसे ही छोड़ दीजिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियोज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।